मैं अर्चना जोशी, आज हम कोर नंबर 1003 अप्लाइड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में टॉपिक 1.5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अफबाऊ का सिद्धांत, अफबाऊ प्रिंसिपल। इस सिद्धांत को करने से पहले जो है वो हम जो किसी भी एटम में जो ऑर्बिटल्स है उसको इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा भरने के लिए जो जो रूल्स होते हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द फिलिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स विथ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स विच आर एज फॉलोज। किसी भी परमाणु में जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन का भरना जो है वो कुछ निश्चित नियमों के द्वारा होता है, जो निम्न है। जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या कहता है, किसी भी परमाणु के मुख्य कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान 2n² होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेन शेल इज इक्वल टू 2n² अर्थात यदि हमारे पास के शेल है तो हमें पता है के शेल के लिए, के कोश के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है अर्थात n मुख्य क्वांटम संख्या, इसका मान होता है 1। अतः के कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 होंगे। इसके बाद आता है एल कोश, एल शेल। एल कोश के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो अर्थात एल शेल में कितने होंगे इलेक्ट्रॉन, 8। इस प्रकार हम जो अन्य कोश है उसमें हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब शेल इज 2 × 12 + 1 अर्थात किसी भी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होगी, 2 × 2l + 1 अर्थात यहाँ पर एल किसको डिनोट करता है, द्विगंशिक क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यदि हमें एस जो है उपकोश उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखना है कि भी कितनी हो सकती है, तो चूंकि एस कक्षक के लिए, एस उपकोश के लिए द्विगंशिक क्वांटम संख्या एजीमुथल क्वांटम नंबर कितनी होती है, 0। तो यदि हम 2 × 2l + 1 में एल की जगह 0 पुट करें तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 2। दैट मीन्स एस उपकोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। सिमिलरली फॉर द पी ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एल दैट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू 1। तो व्हेन वी पुट 1 इंस्टेड ऑफ एल वी विल गेट 6। दैट मीन्स पी सबशेल कैन अकोमोडेट 6 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार डी उपकोश में जो द्विगंशिक क्वांटम संख्या है उसका मान कितना होता है, 2। तो यहाँ पर हम अगर एल की जगह 2 रखते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 10। अर्थात डी उपकोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10। इसी आधार पर जो एफ सबशेल है इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का मान कितना होता है, 3। तो 3 लिखने पर हमें क्या मिलेगा, 14। दैट मीन्स एफ उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 14। इसी नियम में जो नेक्स्ट आता है वो है अफबाउ का सिद्धांत, अफबाउ प्रिंसिपल। क्या होता है, अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप और कंस्ट्रक्शन। द बिल्डिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स इम्प्लाइज द फिलिंग अप ऑफ द ऑर्बिटल्स विद इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो अफबाउ है वो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण अर्थात रचना। यहाँ पर कक्षकों के निर्माण और रचना का क्या अर्थ है कि विभिन्न कक्षकों का इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरा जाना, इसका ये अर्थ है। ये सिद्धांत क्या कहता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो किसी भी परमाणु से संबंधित जो कक्षक होते हैं वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात निम्नतम ऊर्जा वाला, सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक सबसे पहले भरा जाता है जबकि उच्चतम ऊर्जा वाला कक्षक सबसे बाद में अंत में। यहाँ पर इस नियम के अनुसार
विभिन्न कक्षकों की ऊर्जा का जो बढ़ता हुआ क्रम है वह निम्न है। सबसे पहले सबसे कम, यहाँ 1s है जिसकी ऊर्जा सबसे कम है अर्थात लोवेस्ट, निम्नतम ऊर्जा है। 1s की ऊर्जा का मान 2s से कम, 2s की 2p से कम, 2p की 3s से कम। इस प्रकार ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वेरियस ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट वाइल द ऑर्बिटल ऑफ हाइएस्ट एनर्जी इज फिल्ड अप इन द लास्ट और एंड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल इज एज फॉलोज। द एनर्जी ऑफ 1s इज लोवेस्ट, द एनर्जी ऑफ 1s इज लोअर देन द 2s, 2s लोअर देन द 2p, 2p लोअर देन द 3s, 3s lower than the 3p and so on. So the energy of the 1s is lowest. Next, n plus l rule. यहां हमने अफबाऊ के सिद्धांत में क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो अर्थात सबसे पहले जो है ऑर्बिटल कम ऊर्जा वाला, उसके बाद अधिक का। तो यहाँ पर जो विभिन्न ऑर्बिटल है उसकी ऊर्जा को जो निर्धारित करता है कि किसकी ऊर्जा कम होगी किसकी ऊर्जा अधिक होगी, तो इसको कौन निर्धारित करता है, n प्लस l का नियम। और इसका एक अन्य नाम होता है जो याद रखा जाए, बोरबरी का नियम। द एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल इज गवर्न बाय अ रूल नोन एज n प्लस l रूल और बोरबरी नियम। इस नियम के अनुसार यदि हमारे पास एक से अधिक कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को भरा जाना है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षा में जाता है, उस कक्षक में जाता है जिसके लिए n प्लस l का मान न्यूनतम हो। अर्थात क्या हो गया, जिस कक्षक के लिए मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंसी क्वांटम संख्या का योग क्या हो, निम्नतम हो। उदाहरण के लिए हमारे पास है 3d और 4s कक्षक है, तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा। तो इसको अर्थात ये तो हमें पता है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो एनर्जी का जो यहाँ पर जो डिटरमाइन कर रहा है ऑर्डर को, वो कौन सा रूल हो गया, n प्लस l। तो जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, कम, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले। तो n प्लस l की वैल्यू अगर हम देखें तो 3d और 4s हमारे पास दो कक्षक है। 3d के लिए n प्लस l का मान क्या होगा, यहाँ पर जो 3d और 4s में जो आगे जो न्यूमरल्स है 3 और 4, वो किसको डिनोट करते हैं हमेशा, मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात n, दैट मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को ये बताते हैं। और l आपको पता है spdf के लिए कितना होता है, तो सबसे पहले जो 3d है, 3d के लिए n प्लस l अगर हम देखें तो कितना होगा, 3d में 3 क्या है, n, और d के लिए l की वैल्यू आपको पता है 2 होती है, 2। तो 3d के लिए n प्लस l का मान कितना हो गया, 3 + 2 = 5। सिमिलरली फॉर द 4s ऑर्बिटल अगर हम देखें तो 4s में क्या होगा, n प्लस l की वैल्यू, n तो हो गया 4 और l की वैल्यू क्या होती है इसके लिए, s के लिए 0, तो 4 + 0 = 4। तो इसका मतलब हमारे पास अगर 3d और 4s दोनों प्रेजेंट है तो ये रूल कहता है कि जिसके लिए n प्लस l का मान कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो 3d के लिए n प्लस l की वैल्यू कितनी, 5, और 4s के लिए कितनी है इसकी, 4 + 0 = 4, 4। तो 3d और 4s दोनों अगर चॉइस में हो तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s कक्षक में जाएगा, क्योंकि इसके लिए n प्लस l का मान 3d की तुलना में कम है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ देर आर मोर देन वन ऑर्बिटल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन प्रिफर टू गो इन टू दैट ऑर्बिटल फॉर विच n प्लस l इज मिनिमम। अगर हमारे पास ऐसे कक्षक हैं जिनके लिए n प्लस l की वैल्यू समान हो, पहला पॉइंट तो हमने क्या कहा, जिसमें n प्लस l की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन चला गया,
लेकिन यदि हमारे पास n प्लस एल का जो वैल्यू है वो दोनों के लिए क्या हो गया, समान हो गया, उस केस में ये नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में जाएगा जिसके लिए n का मान न्यूनतम हो। ठीक है, जैसे हमारे पास है 3d और 4p, 3d और 4p में से हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले किस में जाएगा, क्योंकि 3d और 4p के लिए आप देखिए, 3d में अगर हम देखें तो n प्लस एल कितना हो गया, 3d में 3 तो हो गया n और d के लिए l होता है 2, तो 3 + 2 = 5 हो गया। सिमिलरली 4p के लिए देखें, अगर हम n प्लस एल, तो 4p के लिए n है 4 और p के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो 4 + 1 = 5, दैट मीन्स n प्लस एल की वैल्यू 3d और 4p दोनों के लिए 5 5 है। दैट मीन्स यहाँ पर रूल क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वहां जाएगा जहां पर n की वैल्यू कम हो, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो 3d में n की वैल्यू कितनी है 3, 4p में n की वैल्यू कितनी है 4, तो इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है वो 4p की तुलना में 3d में जाता है, क्योंकि इसके लिए n का मान कम है। इफ द वैल्यूज ऑफ n प्लस एल इज सेम फॉर द ऑर्बिटल्स, देन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज इन टू दैट ऑर्बिटल फॉर विच n इज मिनिमम। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव 3d एंड 4p ऑर्बिटल्स फॉर द फिलिंग, देन इलेक्ट्रॉन विल प्रिफरेंशियली गो इन टू दैट ऑर्बिटल फॉर विच n इज मिनिमम, बिकॉज फॉर 3d एंड 4p वैल्यूज ऑफ n प्लस एल आर 5 इन बोथ द केस, सो इलेक्ट्रॉन विल प्रीफर टू गो इन टू 3d ऑर्बिटल फॉर विच n इज मिनिमम, दैट इज 3, वाइल फॉर द 4p n इज 4, सो हियर इलेक्ट्रॉन विल प्रीफर टू गो टू 3d ऑर्बिटल रादर देन 4p। इट इज ऑल अबाउट n प्लस एल रूल। इस प्रकार इस रूल के द्वारा भी हम वेरियस ऑर्बिटल की एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं।